Welcome to the lecture number 3 of computer graphics. Today's topic is cathode ray tube. Cathode ray tube is the primary output device in graphics. अच्छा जी, पहले हम इसकी पिक्चर को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसके कि हाउ इट वर्क्स. अच्छा जी, इसकी पिक्चर में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन है. इलेक्ट्रॉन गन के बाद हीटिंग फिलामेंट आ रहा है, फिर कैथोड आ रहा है, और उसके बाद कंट्रोल ग्रिड है. कंट्रोल ग्रिड के बाद हमारे पास फोकसिंग सिस्टम है, और इसको एक्सेलरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं. फोकसिंग सिस्टम भी है, एक्सेलरेटिंग सिस्टम भी है. उसके बाद हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्शन प्लेट है, और फिर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है. हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट को हम मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे लेते हैं, और वर्टिकल डिफ्लेक्शन फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे लेते हैं, क्योंकि उसमें कॉइल जिसमें हो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो जिसमें प्लेट्स हों वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम जो उससे पास आउट होती है वो फास्फोर कोटेड स्क्रीन पे पड़ती है, ताकि हम इमेज को देख सकें. वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. टुडेज टॉपिक इज कैथोड रे ट्यूब. कैथोड रे ट्यूब इज़ द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इन ग्राफिक्स. अच्छा जी, पहले हम इसकी पिक्चर को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसके कि हाउ इट वर्क्स. अच्छा जी, इसकी पिक्चर में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन है. इलेक्ट्रॉन गन के बाद हीटिंग फिलामेंट आ रहा है, फिर कैथोड आ रहा है, और उसके बाद कंट्रोल ग्रिड है. कंट्रोल ग्रिड के बाद हमारे पास फोकसिंग सिस्टम है, और इसको एक्सेलरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं. फोकसिंग सिस्टम भी है, एक्सेलरेटिंग सिस्टम भी है. उसके बाद हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्शन प्लेट है, और फिर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है. हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट को हम मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे लेते हैं, और वर्टिकल डिफ्लेक्शन फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे लेते हैं, क्योंकि उसमें कॉइल जिसमें हो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो जिसमें प्लेट्स हों वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम जो उससे पास आउट होती है वो फास्फोर कोटेड स्क्रीन पे पड़ती है, ताकि हम इमेज को देख सकें. मज़ीद इसको देखते हैं जी कि हाउ इट वर्क्स. हमने पहला पार्ट इसका है कि जी इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन में हीटिंग फिलामेंट एंड कैथोड आ जाता है. अच्छा, इट इसकी फंक्शन क्या है कि इट जनरेट्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स फास्फोर स्क्रीन सो डैट यू आर एबल टू सी इमेज. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन गन का ये फंक्शन हो गया. उसके बाद कंट्रोल ग्रिड है. इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इलेक्ट्रॉन डू नॉट मोर फ्रीली. ऑल द इलेक्ट्रॉन नीड टू पास थ्रू इलेक्ट्रॉन बी. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास थर्ड इसका पार्ट है, फोकसिंग सिस्टम. इट इज़ यूज टू क्लियर द पिक्चर. इफ़ स्क्रीन इज़ ब्लर देन प्रॉब्लम इज़ इन फोकसिंग सिस्टम. अगर आपकी मॉनिटर की स्क्रीन ब्लर है तो उसके फोकसिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है. आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा था कि फोकसिंग सिस्टम और एक्सेलरेटिंग सिस्टम है, पिक्चर में आप देख सकते हैं. उसके बाद हमारे पास डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है. डिफ्लेक्टिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां प्लेट्स लगी हुई होंगी उसको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां पे कॉइल लगी हुई होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा. हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को हम मोस्टली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर लेते हैं, और वर्टिकल प्लेट्स को हम क्या लेते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पर लेते हैं. फास्फोर कोटेड स्क्रीन फिफ्थ इसका पार्ट है. इनसाइड ऑफ स्क्रीन इज फास्फोर कोटेड. इट ग्लोज व्हेन हाईली एनर्जी बीम हिट्स द स्क्रीन. तो ये हमारे पास इसके पांच पार्ट थे, जो कि इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब की फंक्शनैलिटी को बताते हैं. थैंक यू सो मच. हमने पहला पार्ट इसका है कि जी इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन में हीटिंग फिलामेंट एंड कैथोड आ जाता है. अच्छा, इट इसकी फंक्शन क्या है कि इट जनरेट्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स फास्फोर स्क्रीन सो डैट यू आर एबल टू सी इमेज. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन गन का ये फंक्शन हो गया. उसके बाद कंट्रोल ग्रिड है.
it controls the flow of electron, so electron do not move freely. All the electron need to pass through electron P. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास थर्ड इसका पार्ट है, फोकसिंग सिस्टम. इट इज़ यूज्ड टू क्लियर द पिक्चर. इफ़ स्क्रीन इज़ ब्लर देन प्रॉब्लम इज़ इन फोकसिंग सिस्टम. अगर आपकी मॉनिटर की स्क्रीन ब्लर है तो उसके फोकसिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है. आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा था कि फोकसिंग सिस्टम और एक्सेलरेटिंग सिस्टम है, पिक्चर में आप देख सकते हैं. उसके बाद हमारे पास डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है. डिफ्लेक्टिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ प्लेट्स लगी हुई होंगी उसको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहाँ पे कॉइल लगी हुई होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा. हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को हम मोस्टली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर लेते हैं, और वर्टिकल प्लेट्स को हम क्या लेते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पर लेते हैं. फास्फोर कोटेड स्क्रीन फिफ्थ इसका पार्ट है. इनसाइड ऑफ स्क्रीन इज फास्फोर कोटेड. इट ग्लोज व्हेन हाईली एनर्जी बीम हिट्स द स्क्रीन. तो ये हमारे पास इसके पांच पार्ट थे जो कि इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब की फंक्शनैलिटी को बताते हैं. थैंक यू सो मच.